सर दर्द हो उपवास के समय या जनरल भी, तो इस तरीके से जहाँ पर जेंट्स लोग टिक्की लगाते हैं, मंदिर की टिक्की या ये सेंटर का पॉइंट, इसमें ये नकल जो रहती है ये हड्डी, इससे ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे घुमाना है। और जहाँ लेडीज़ मांग भरती है उसका आखिरी पॉइंट, ये हाइपोथैलेमस का पॉइंट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पॉइंट है। इस तरीके से आप अगर 30 40 50 बार रिपीट करते हैं क्लॉक एंटी क्लॉक, गोल गोल घुमाना है दोनों तरफ के डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा भी और ऐसा भी, तो सर दर्द में बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आराम आता है। आप आजमा के देख सकते हैं, बहुत 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है सर दर्द का। जूम करना खींचते समय, आज के समय या ऐसे भी कभी अगर चक्कर आता है तो ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, जो अपन किसी भी सामान का यूज़ करे बिना चक्कर को ख़त्म कर सकते हैं। ये दोनों कान को ऐसे खींचना है, पुल करना है, कान के नीचे ऐसे पकड़ के मिडिल पॉइंट में पकड़ के खींचना है, मिडिल से नीचे का जो पॉइंट है उसको पकड़ना है, जोर से पुल करना है, पकड़ना है जोर से पुल करना है। ये करने से आपके चक्कर में बहुत अच्छा आराम आता है। और अगर ये कान की रबिंग करते हैं इस तरीके से पाउडर या तेल लगा के, आजकल यूट्यूब गूगल वगैरह है, उसमें आप कान के पॉइंट सर्च कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको है उस जगह पे आप रबिंग कर सकते हैं इस तरीके से। वैसे आपको बता देता हूँ कि ये आधे कान से नीचे के पॉइंट जो है ऊपर की बॉडी के रहते हैं, और ये वाले ऊपर के अपने कमर से नीचे की बॉडी के रहते हैं, यह पेट है। तो अगर नीचे की तरफ तकलीफ है तो यहाँ पे ज़्यादा करना है, और कमर से ऊपर की तरफ तकलीफ है तो यहाँ पे ज़्यादा करना है। पानी पीने का उपवास तपस्या व ऐसे भी कभी भी आपको जल लेना है तो इस तरीके से जल लेना चाहिए, या तो सिप सिप करके लेना है, या तो इस तरीके से मुंह में पानी भर लेंगे 7 8 घूँट, और जब अंदर करेंगे तो 1 घूँट अंदर करेंगे, और अगर आपके पास समय है तो ओम नमो रिहंतानंग बोलना है, फिर दूसरा घूँट अंदर करना है, ओम नमो सिद्धानंग बोलना है, या कोई भी मंत्र जो आपको समझ में आए, ये सब थेरेपी में आप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र की शक्ति के साथ आपको जल हवा ये सब चीज़ जाती है, तो एक अलग ही पावर मिलता है शरीर में। और इस तरीके से घुट घुट करके पानी पीने से किडनी में प्रेशर नहीं पड़ता, छोटी आंत में प्रेशर नहीं पड़ता, और अपना थूक सलाइवा जो है वो बार बार जब अपना पानी मुंह में भरा रहता है तो थूक धीरे धीरे अंदर जाता है। और उपवास और तपस्या के समय बार बार थूक गिटकना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थूक गिटकने से ये गले में जो कांटे जैसा लगता है वो भी नहीं लगता, क्योंकि थूक एक मलम की तरह है, जैसे आप देखे होंगे जानवर लोग थूक से चाट चाट के कई सारे घाव ठीक कर लेते हैं, उसी तरीके से जब आप बार बार थूक लेते हैं वो न्यूट्रल होता है, और आपके एसिड को न्यूट्रल की तरफ लेके जाता है, और छोटी आंत से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड की तरफ जाता है, और किडनी से आपका एसिड निकल जाता है। इसीलिए थूक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी दवा है, हमेशा ध्यान रखेंगे। या उपवास के समय हमेशा कमजोरी जैसे लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि शरीर टूट रहा है, तो ये चैनल्स जो रहते हैं, ये चैनल्स ये अपने एनर्जी पॉइंट है, यहीं पे किडनी का भी पॉइंट है, तो इन चैनल्स में इस तरीके से नकल से रबिंग करनी है, या फिर ऐसे रबिंग करनी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होगी, और ये नकल से भी इस तरीके से, ये हड्डी से रबिंग करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, ये चैनल जो है ये एनर्जी पॉइंट है। आप पैर में भी इसी तरीके से कर सकते हैं, हाथ में भी इसी तरीके से कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील होगा। और ये सब करते समय हमेशा गहरी गहरी सांस लेना है, जो भी थेरेपी करें हमेशा गहरी गहरी सांस लें, घर में भी अगर कोई एक्सरसाइज करें तो धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेनी है। तपस्या या किसी वक्त भी आपको नहाना है, या जब आप नहाते हैं तो इस तरीके से आपकी हथेली को नाभि के नीचे रखना है, और सबसे पहले जल यहीं पर डालना है। और आजकल बहुत अच्छा शावर थेरेपी भी हो गई है, घर में शावर रहते हैं तो आप शावर से सीधा डायरेक्ट नाभि में, आप यहाँ पर जब स्प्रे करेंगे शावर से, तब आपकी जो नाभि है उसमें जो एसिड रिफ्लेक्स है वो कम हो जाएगा। उपवास के समय एसिड रिफ्लेक्स सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है,
तो ये एसिड रिफ्लक्स कम करने के लिए और नाभि को पावर देने के लिए, और नाभि में कोई भी तरीके का तेल घी कुछ भी आप लगा सकते हैं, बाथरूम में रखते हैं आप अगर उस चीज़ को, और नहाते समय लगा लेते हैं तो कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। हर तेल का अलग अलग महत्व है। घी जो है अमाइनो एसिड है, और तेल में भी आपको जो जो तेल, जैसे बादाम का तेल लगाते तो विटामिन ई मिलता है, अगर आप नारियल तेल लगाते तो पोटेशियम मिलता है, सरसों तेल लगाते हैं तो एंटीबैक्टीरियल है, इसी तरीके से अगर जैतून का तेल लगाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट है, और उपवास के समय अगर मालिश भी करानी है तो जैतून के तेल से कराना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को बाहर नहीं होने देता है। कोई चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, बिना ऑक्सीजन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप कोरोना में देख चुके हैं। तपस्या उपास के समय ये लीवर का पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये राइट हैंड की सेंटर उंगली, मिडिल उंगली जो होती है उसका ये जोड़ है, इसको आप जूम करके दिखाइए, ये जोड़ है, इस जोड़ में आप ऐसे रबिंग भी कर सकते हैं तेल लगा के, पाउडर लगा के, या 4 घंटे के लिए ग्रीन कलर का स्केच पेन इसके राउंड में पूरा लगा सकते हैं, क्योंकि लीवर अपना 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है, और बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर, किडनी, लंग्स, तो ये सब चीज़ें अगर आपकी सॉलिड रहेगी, उसको पावर मिलेगा, तो आपको ऑटोमेटिक जो है शक्ति प्रदान होगी, और आपकी बॉडी का वेस्ट जो है वो निकलता रहेगा, तो ये लीवर पॉइंट में हमेशा कभी भी रबिंग कर सकते हैं। पास तपस्या के समय अगर एसिड रिफ्लेक्स बढ़ रहा हो या उबकाई आ रही हो, तो इस तरीके से ये 4 उंगली पहले नापना है, और ये चौथी उंगली जहाँ ख़त्म होती है यहाँ प्रेस करना है, ये एसिड रिफ्लेक्स को कम करता है, राइट हैंड में ज़्यादा करना है, लेफ्ट में भी कर सकते हैं, इस तरीके से प्रेस करना है, और मोशन जाते समय इस तरीके से मुद्रा में रहना है हमेशा, ये मुद्रा विज्ञान है, आप नेट में कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम की मुद्रा को आप ध्यान करते समय कर सकते हैं, जब आप तपस्या उपास के समय ध्यान कर रहे हो तो हमेशा चेहरा अपना थोड़ा ऊपर रखेंगे, अपने पोस्चर में ध्यान देंगे, चलते समय हाथ को हल्का सा पीछे की तरफ रखेंगे हमेशा, ताकि पोस्चर जिंदगी भर जो आगे होता है वो पीछे की तरफ जाए, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपना दूसरा ब्रेन है, और उस ब्रेन को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं से पूरी नसें पूरे शरीर में जाती है, लीवर, किडनी, लंग्स, हर जगह प्रॉब्लम जो है स्पाइनल कॉर्ड से, अगर स्पाइनल कॉर्ड हमेशा इस तरीके से टिल्ट रखेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से आप जूझते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर आगे होना है, इसलिए पीछे की हमेशा एक्सरसाइज करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, वॉक करते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना बनाते समय, जो भी पोस्चर में आप रहें, चाहे बैठे रहें कहीं पर, तो हमेशा पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ हल्का सा टिल्ट रहेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, जितना हो सके हल्का सा ऊपर रहना है, ताकि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका टाइटनेस जो है वो जो इस तरीके से झुक झुक के जो टाइटनेस आ जाता है, कंप्रेशन आता है, उससे बचाव हो सके। नमस्कार, जय जिनेन, मैं राजा जैन, विशेष थेरेपी, गूगल एड्रेस प्रियदर्शनी कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़, आप सर्च कर सकते हैं, और मेरे यहाँ बहुत सारी थेरेपी और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ट्रेनिंग क्लासेस भी होती है, तो आप जो है मैं आज जो बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, तपस्या उपास या बाकी समय आप किस तरीके से अपने शरीर को फिट रख सकते हैं उसमें जरूर ध्यान देवे। धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है, नाभि सेटिंग मतलब शरीर का अलाइनमेंट, नाभि सेटिंग यानी शरीर जो अपन कभी चलते हैं या कभी पैर झुक जाता है कभी, या तो ट्विस्ट हो जाता है, या उबड़ खाबड़ जगह में चलते हैं, या कोई वजन उठा लेते हैं, बाल्टी उठा लेते हैं, तो एक तरह से शरीर एक तरफ टिल्ट हो जाता है, जिसके कारण जो ये सेंटर है, ये जो कमर से ये सेंटर है, L5 के सामने से ये कम सेंटर होता है, जहाँ 72,000 नाड़ियाँ एक साथ आके उसका जंक्शन है, ये जितने भी आप पॉइंट्स अभी आपने सुने वो एक जंक्शन पॉइंट्स है, वहाँ बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ, बहुत सारी नाड़ियाँ एक साथ एक्टिव होती है, इसलिए योगा प्राणायाम में कोई भी चीज़ों में उन पॉइंट्स को महत्व दिया जाता है, जैसे ट्रेन एक जंक्शन में हर जगह रुकती, बहुत सारी ट्रेन, उसी तरीके से ये सब जंक्शन पॉइंट है, तो ये उपास तपस्या किसी भी समय इस तरीके से अपने पैर को यहाँ ऐसे पुश करेंगे,
और दोनों हाथ से नाभि की तरफ धीरे धीरे उंगली से पुश करेंगे। ये चलते रहेगा और ये पुश होते रहेगा, अलग अलग दोनों हाथ से पुश करिए। नाभि की तरफ पुश करना है, ये सेंटर है मान लो, तो उसकी तरफ पुश करना है, कोई भी चीज़ को पुश करना है। इससे गैस भी रिलीज होगी, एसिडिटी भी कम होगी और सेंट्रलाइज सिस्टम जो है अपने शरीर का सेंटर की तरफ आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट थेरेपी है नाभि सेटिंग के लिए उपवास के समय। इस तरीके से ये पूरे पैर को खींचिए अपनी तरफ, 3 नौकार तक इस तरीके से खींच के रखना है, 3 नौकार गिनना है, या कोई भी तरह आप मंत्र जो आप चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ये जनरल थेरेपी सभी धर्म के लिए है और उसके बाद ये 3 नौकार तक या कोई भी मंत्र जाप तक इस तरीके से ये होल्ड करना है। ये करने से साइटिका की पूरी सेटिंग होती है और ये पिंडली के जो ब्लड है उसको एक्टिवेशन मिलता है और वो ब्रेन की तरफ जाता है। यहाँ काफ़ी ब्लड रहता है और ये गैस भी रिलीज होती है, यहाँ से एसिड अल्कलाइन बैलेंस होता है। और ये सेटिंग जो है इस तरीके से करने से कमर में भी आराम आता है, हर प्रॉब्लम में आराम आता है। और ये इस तरीके से चेक करते हैं, किसी का अगर चेक करना है तो ये, जैसे अभी इनका तो हमने ट्रीटमेंट करके सेट कर दिया है दोनों, लेकिन अगर कभी किसी को ऐसे ये पांचों उंगली में इस तरीके से दबा के और नीचे प्रेस करना है हथेली से ये पांचों उंगली को, और ये अंगूठे की लंबाई चेक करनी है, ये देखिए ये लंबाई, अगर किसी की छोटी बड़ी है ये लंबाई, इधर से दिखाओ। इनका अभी सेट है क्योंकि हम लोगों ने सेट करके रखा है ट्रीटमेंट के समय। ये कई बार किसी का ऐसा रहता है, ये ऊपर रहता है, किसी का ये ऊपर रहता है, तो उनको ये एक बार किसी से चेक कराना है बहुत अच्छे तरीके से सेंटर में खड़े होके। और मान लो अगर किसी का ये वाला ऊपर है तो इसको नीचे करना है, तो ये ऐसा नीचे करिए और इसको ऊपर करना है, ये एक्सरसाइज करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे कमर का अलाइनमेंट होता है, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट होता है। और जो आजकल L4 L5 S1 डायग्नोसिस होता है MRI में, उससे हम लोग यहीं पर डायग्नोसिस कर लेते हैं कि इनके कौन से प्रॉब्लम्स हैं और कमर में क्या प्रॉब्लम है। ये नाभि सेटिंग मॉडर्न तरीके से कमर का अलाइनमेंट है, बॉडी का अलाइनमेंट है। पहले MRI मशीन नहीं होती थी तो नाभि सेटिंग बोलते थे। अगर मान लो किसी का ये वाला पैर छोटा है ऐसे चेक करने में, तो उनको ये एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, ये पैर को बढ़ाना है, ये पैर को ऊपर पुश लेना है और इसको नीचे। और किसी को नहीं मालूम कि कौन सा छोटा बड़ा है तो दोनों तीनों एक्सरसाइज को मिक्स करके करते रहेंगे, ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। इतना ऐसे दिमाग भी नहीं लगाएं कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक बार बैठिए, मान लो किसी का ये वाला पैर टाइट है या छोटा है, या ऐसे करने से उनको लग रहा है कि ये वाला पैर टाइट है, तो इस तरीके से बैठे बैठे ये पैर को दबाना है, दबाइए। ये अगर करते हैं तो आपका कमर जो है उसका टाइटनेस खुलेगा, कमर से पूरे ऊपर रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है और नीचे पैर जुड़ा हुआ है। अगर कमर टाइट हो जाएगी तो कोई भी तरह का ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा। ये इस तरीके से एक्सरसाइज आपको बैठे बैठे करना है। कहीं पर अगर आप ऑफिस में हो तो इस तरीके से पैर इस तरीके से रख के चेक करना है आपका कौन सा पैर टाइट है। एक बार ये वाला देखिए, एक बार वो वाला देखिए, कौन सा पैर नीचे कम जा रहा है। ये वाला पैर टाइट है तो ये वाले पैर को थोड़ा ज़्यादा देर करना है, उसको भी करना है। इस तरीके से ऑफिस में भी आप कर सकते हैं। ये पालती जो अपन नहीं मारते हैं तो ये इस तरीके से बॉडी टाइट हो जाती है, तो ये आप चेयर में बैठ के भी आसन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पालती मारने से ही आसन होगा। ये इस तरीके से चेयर में बैठ के ऑफिस में या घर में इस तरीके से दबाना है, दबाइए, तो ये टाइटनेस खुलेगी क्योंकि कमर से पूरा अलाइनमेंट होता है शरीर का। कमर से ऊपर रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है और नीचे पैर जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब तक सेंटर सिस्टम सही रहेगा तो ऑटोमेटिक पूरी शरीर ऑटोमेटिक जो है उसका फंक्शन अच्छा रहेगा, टाइटनेस नहीं होगा। ये एक्सरसाइज करनी है हमेशा। और कहीं अगर बैठे रहें,
आपको कोई एक्सरसाइज, जैसे आप कोई सभा में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो ये इसी तरीके से जो पैर के पंजे वाली बताया था मैंने आपको नीचे, वो ऐसे करना है। और स्कूटर चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं, जब भी इसी पोज में रहता हूँ मैं, एड़ी जब एक्टिवा में रखता हूँ और इसको ऊपर रखता हूँ, इससे पिंडली टाइट नहीं होती है। तो जो एक्सरसाइज आपकी दिनचर्या में हो जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं है। इसलिए दिनचर्या में जो एक्सरसाइज हो जाए उसको अपनाएं। और वही टिप्स मैं हमेशा बताता हूँ, लाइफ स्टाइल टिप्स बचाव इलाज से बढ़ के है। और खाने पीने में आप सबसे ज़्यादा आयरन रिच फूड लेंगे और विटामिन सी लेंगे। ये कोरोना में आप लोगों ने इस चीज़ को हमेशा देख चुके हैं कि आयरन जो है उसका लॉजिक है, वो ऑक्सीजन को होल्ड करता है, बॉडी में जो आप ऑक्सीजन लेते हैं उसको रोकता है, और आयरन को होल्ड करता है विटामिन सी। इसलिए आयरन रिच फूड जैसे कच्चा केला, मसूर की दाल, और भी जितने आयरन लोहे की कढ़ाई में आप जरूर खाएं, आयरन रिच फूड है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो आयरन को रोकता है वो आंवला, शिमला मिर्ची और जाम में होता है। एक आंवला 10 नींबू के बराबर है, 15 मौसम्बी के बराबर है। इसलिए तपस्या उपास के समय आंवले का प्रयोग जरूर करें, शिमला मिर्ची का प्रयोग जरूर करें, और लोहे की कढ़ाई में आप खाना खाएं। और साल में ब्लड टेस्ट एक बार जरूर कराएं या 2 बार जरूर कराएं। और जो भी आपको कमी है, क्योंकि अमेरिकन विटामिन थेरेपी बोलती है एवरी डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन मिनरल कैल्शियम, तो वो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ब्लड टेस्ट करा के कोई डाइटिशियन से मिलके आप उस डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, तो अगली बार उपवास करने में आपके शरीर को और ज़्यादा पावर और ज़्यादा शक्ति के साथ आप उस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं, प्रेरणा मिलेगी। या उपवास नहीं भी करते हैं तो आपको उस चीज़ों के लिए जो आपके शरीर को ज़रूरत है वो ज़रूर लेना है। ये नाभि सेटिंग की लेटेस्ट टेक्निक है, मेरे द्वारा इन्वेंट करी हुई है। इस तरीके से आप ये जो गड्ढा होता है यहाँ कान के ठीक नीचे शोल्डर्स में, जो ये गड्ढा आता है इस तरीके से ट्रेस होता है, ये यहाँ पे गड्ढा है, ये इसको प्रेस करना है एक उंगली या दो उंगली से, और ये हाथ से हाथ उठाना है, हाथ उठा के पूरा कान तक लाना है इस तरीके से, खुद ही कर सकते हैं ये, उठाइए। स्पाइनल कॉर्ड थेरेपी है ये यहाँ पर भी इस तरीके से ये वाले हाथ से करना है, प्रेस करना है और उठाना है, और कोने नहीं मुड़ना चाहिए। ये किसी का आप खड़े रह के भी किसी का कर सकते हैं, किसी पेशेंट का कर सकते हैं। इस तरीके से दबा के हाथ उठाने से ये जो टाइटनेस है स्पाइनल कॉर्ड की, रीढ़ की हड्डी, उसका टाइटनेस ऊपर की तरफ आता है, जो कंप्रेशन झटका खा के हमेशा नीचे रहता है, और ये टाइटनेस खुलने से आपका पूरी रीढ़ की हड्डी का फंक्शन बढ़ जाता है, कमर दर्द, गर्दन दर्द। और जो कान के नीचे हाथ दबा के सोते हैं इस तरीके से या ऐसे हाथ करके सोते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमेशा बाई करवट सोएंगे, क्योंकि हार्ट का फ्लो जो है बाई तरफ होता है, स्टमक लेफ्ट की तरफ होता है, स्प्लीन लेफ्ट की तरफ होता है, और बाई करवट या सीधा सोना है। और कान के नीचे हाथ दबा के सोने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क जैसी जितनी माइग्रेन, जो भी समस्या है उसका मुख्य कारण है ये नस को दबा के नहीं सोना है। इम्पॉर्टेंट है खाने का तरीका, आप किस तरीके से खाएंगे बताइए। रोटी का कवा छोटा लेना है, बड़ा बड़ा कवा जो लेते हैं, क्योंकि अपने को 30 फीट खाने को घुमाना पड़ता है, शरीर में 30 फीट घूमता है, छोटा कवा लेना है। सब्जी ज़्यादा लेना है और मुंह में लेके फिर चबा के खाना है। एक रोटी को कई टुकड़ों में लेना है, जिससे ज़्यादा अनाज खाने में नहीं आएगा, सब्जी ज़्यादा खाने में आएगी, और जब गैस नहीं बनेगी तो आपका बॉडी का फंक्शन ऑटोमेटिक फिट रहेगा। क्योंकि खाने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस विषय में आप जरूर ध्यान देंगे और अपने बॉडी को फिट रखेंगे और बचाव इलाज से बढ़ के वो ध्यान रखेंगे, और शरीर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचेंगे, और सही पोस्चर में बैठना, उठना, सोना, ये सब करने से आपको लाइफ स्टाइल टिप्स जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।